तो दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, काम करने की कोई उम्र नहीं होती है। क्यों कह रहा हूँ ये बात, मेरे साथ बैठी है एक माता जी और मेरे बगल में जो है इनके लड़के हैं, मतलब एक माँ और बेटे जो है एक साथ मेरे साथ आज बैठे हैं। और ये माँ बेटे जो है फेसबुक पे काम करते हैं, फेसबुक पे अपनी ओरिजिनल वीडियो बनाते हैं। मैं सारी चीज़ इस वीडियो में दिखाऊंगा। और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है, मतलब जो लोग बहाने बनाते हैं, भैया मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा वो नहीं हो रहा है, मैं ओरिजिनल वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, कैमरे में कैसे करते हैं, कैमरे के सामने कैसे बोलते हैं, वीडियो कैसे बनाते हैं, सारी चीज़ें इनसे सीखनी है आपको। इनकी उम्र क्या होगी आप देख सकते हैं, आपके सामने ये बैठी हुई हैं। अभी मैं इनसे बात भी करूँगा और इनसे भी बात करूँगा, लेकिन सिर्फ मेरा मोटिव यही है कि इनसे आप सीखें। तो सबसे पहले इनसे इनका नाम पूछूंगा, बाकी आगे जो है सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा किस तरह से ये काम कर रहे हैं और अपनी खुद की वीडियो ये ओरिजिनल जो है फेसबुक पर बना रहे हैं। तो आपका नाम क्या है? और ये हमारी डिस्ट्रिक्ट से ही है, मेरे गाँव से कुछ किलोमीटर की दूरी पर हैं। इन्हें पता नहीं कैसे मेरे बारे में चला तो ये मुझसे मिलने आई, ठीक है। इसी से रिलेटेड जो है, फेसबुक से रिलेटेड ये आई थी अपने लड़के के लिए। मेरा लड़का इस तरह की वीडियो बनाता है फेसबुक पेज पे और आप थोड़ा चेक कर लें ये मोनेटाइज होगा नहीं होगा क्या है, मतलब काम करते हैं लेकिन उन्हें पूरा तरीका नहीं पता है काम करने का, तरीका किस तरह से किया है, ये पता है कि हाँ वीडियो किस तरह से अपलोड की जाती है और रील जो है किस तरह से बनाया जाता है, बस यही पता, उसके आगे कुछ भी नहीं पता है। तो फिलहाल ये जो है ये काम कर रहे हैं फेसबुक पेज पे और इंस्टाग्राम पे। लेकिन आपको ही पता है फेसबुक पे अगर पैसे कमाने हैं तो आपको ध्यान देना ज़्यादा फेसबुक पे। अगर इंस्टाग्राम पे आप सोच रहे हैं मेहनत करने की तो आप करो, लेकिन इंस्टाग्राम पे आप कब पैसे कमाएंगे कोई पता नहीं, लेकिन फेसबुक पे आप जो है जल्दी से जल्दी जो है पैसे कमा सकते हैं अगर आपकी वीडियो जो है वायरल होती है। तो सबसे पहले आपका नाम बताओ क्या है? अशोक डांसर। अशोक डांसर ये जो है डांस की वीडियो बनाते हैं और सबसे पहले मैं इनकी वीडियो आपको दिखाऊँगा, उसके बाद जो है आगे हम सारी चीज़ें करने वाले हैं। फेसबुक दिखाना अपना, तो यहाँ पे आप स्क्रीन कहीं पे आप देख सकते हैं, मैं कहीं पे एडजस्ट कर दूंगा क्योंकि स्क्रीन जो है फुल है तीन लोगों से, तो मैं कहीं ना कहीं जो है एडजस्ट कर दूंगा। ये इनकी जो है फेसबुक की प्रोफाइल है, ये जो है प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं डायरेक्ट, अशोक चौहान के नाम से इनकी प्रोफाइल है और बिल्कुल ही ओरिजिनल है, इसलिए मैं कोई ब्लर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको दिखा सकता हूँ, किसी की चोरी नहीं कर रहे हैं वीडियो, आपकी खुद की अपनी वीडियो जो है बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, ठीक है। मैं आपको सीधा रील दिखाता हूँ, इनकी रील पर व्यूज़ अच्छे खासे भी आ रहे हैं और कम भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हर वीडियो पर व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं लेकिन आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या, जब बंदा काम करने का स्टार्ट करता है तो धीरे धीरे इंक्रीज़ होता है, व्यूज़ हो चाहे फॉलोअर हो और पैसे भी आप धीरे धीरे ही कमाते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं इनकी जितनी भी वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी की सारी ओरिजिनल है, लेकिन कुछ वीडियो मैंने इनकी देखी है जो मिलियन में भी व्यूज़ गए हैं, मिलियन में व्यूज़ हैं ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन 2000, 3000, 1000 ये मैक्सिमम व्यूज़ जो है आ ही रहे हैं इनकी वीडियो पे। अभी मैंने देखा था इनकी वीडियो पे कहीं 1 मिलियन व्यूज़ था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.5 मिलियन व्यूज़ हैं इनकी वीडियो पे। इसको मैं अगर प्ले करता हूँ, शायद प्ले हो जाए नेट का इशू अगर ना हो तो, नहीं दूसरी वीडियो प्ले हो रही है, ठीक है। ये मसला क्या पता नहीं, अंदर से जाके प्ले करना होगा, लेकिन ये वीडियो दरअसल है बैंड बाजे वाली। आपने देखा होगा देहात में और शहरों में भी बैंड बाजा लोग बनाते हैं अपनी शादियों में, बैंड बाजा बाराती आपने सुना होगा, फिल्म आई थी, लेकिन बैंड बाजा बाराती में नहीं काम कर रहे हैं, सिर्फ ये बैंड बाजा पे जो है डांस करते हैं और डांस करते हैं लड़की के गेटअप में, लड़की के गेटअप में करते हो ना, इनका पेशा है ये बैंड बाजे पे डांस करना। इन्होंने जो है बैंड बाजे पे ही डांस किया था, उसी वीडियो पे 1.5 मिलियन के व्यूज़ हैं, अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं और उनका पेशा भी वही है बैंड बाजे पे डांस करना। लेकिन फिर ये दिमाग में कैसे आया कि चलो मैं बैंड बाजे पे तो आप कर ही रहे हो, उससे आप कितना कमा लेते हो? जैसे 1500 मिल जाता था एक सट्टे का। अच्छा, एक सट्टा जब होता था 1500, मतलब एक रात पूरी जागनी पड़ती थी, 1500 रुपए मिल जाते थे। तो ये काम तो हमेशा होता नहीं है, शादी वाला सीजन सिर्फ कभी कभार होता है, मतलब 2-3 महीने का सीजन होता है ना शादियों का। तो 2-3 महीने में कितना कमा लेते थे? 2-3 महीने में 14-15 सट्टा हो जाता था, तो मतलब 25-30 हज़ार, 40 हज़ार कमा लेते थे, है ना, इतना हो जाता। तो ये फेसबुक का आइडिया कहाँ से आया? फेसबुक के आइडिया इसलिए आया कि जैसे एक बंदा था गांव का, हाँ, उससे मैं बोला कि एक वीडियो मेरा बनाओ, तो ये जो वीडियो मिलियन में गया है 1.5 मिलियन के, हाँ, उसमें मैं वो बना रहा था, उस मेरे को अच्छा लगा, जैसे धाकन्ना खेलते हैं गांव में ना, भागवत ओगत होता है, हाँ, तो उसमें मैं देखा, उसके बाद मैं डाल दिया मैं अच्छा वो में। हाँ, मतलब ऐसी तुक्का मार, हाँ, के डाल दिया, तुक्का मार के डाल दिया, उस पे कुछ भी नहीं लिखा, हाँ, डाल दिया, रातों रात में देखा तो मतलब व्यूज उसके हो गए, सोचा कि व्यूज ज्यादा भाग रहा है, उसके बाद में उसी वही मेन है। तो ये बताओ ये जो 1.5 मिलियन व्यूज थे ये मतलब कितने दिन में हुए थे आपके पेज पे? रातों रात हो गए थे। रातों रात रातों रात ये वीडियो आपने कब डाली थी?
ये वीडियो शाम के टाइम डाले, मतलब काफी पुरानी वीडियो है, एक डेढ़ महीना पुरानी शायद वीडियो है। हाँ हाँ, एक डेढ़ महीना पुरानी है ना। हाँ। और रातों रात ये व्यूज आ गया था, आ गया। बाकी आप देख सकते हैं इस वीडियो पे तो 1.5 मिलियन की व्यूज है, लेकिन जो और वीडियो इन्होंने डाल रखी है ज्यादातर जो है नॉर्मल व्यूज है। और देखें एक वीडियो और है बैंड बाजे वाली ही, लेकिन उसपे व्यूज कितने 620 है। मसला क्या होता है, कुछ ना कुछ हमारे अंदर ही कमी होती है, वीडियो बनाने का तरीका जो होता है हमारा गलत होता है, या तो वीडियो अपलोड जब करते हैं वो तरीके से नहीं करते हैं। और कभी कभी क्या होता है, जिस गाने पे हमने डांस किया है, अब मान लो इन्होंने बैंड बाजे पे जो है डांस किया होगा, तो हो सकता है आपने ये ओरिजिनल डाला या गाना इस पे डाला हुआ है। नहीं, ओरिजिनल है, ओरिजिनल है, ओरिजिनल जो बैंड बाजा होता है वही आपने डाल दिया है। तो इसमें होता क्या है, इसकी आवाज की क्वालिटी जो अच्छी नहीं होती है, इसलिए जो है लोग उतना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जब आवाज की क्वालिटी अच्छी होती है तो लोग वीडियो भी पसंद करते हैं, रील भी पसंद करते हैं। तो ये छोटी छोटी गलती हमारी होती है, लेकिन ठीक है। अभी जो इनके फॉलोअर हैं, फॉलोअर अभी ज्यादा हुए नहीं है, कम से कम 1500 फॉलोअर हैं बस, ज्यादा नहीं है। लेकिन फॉलोअर आपको बिल्कुल नहीं देखने हैं, बस आपको ये देखना है कि मैं कितनी मेहनत कर सकता हूँ, कितनी वीडियो डेली बना सकता हूँ। क्योंकि देखो आप कॉन्टेंट अपलोड करते रहोगे तो फॉलोअर खुद ब खुद आएंगे। लेकिन आप ये सोचोगे यार अभी 1500 फॉलोअर हैं, वीडियो बना के मतलब नहीं है, व्यूज नहीं आ रहे हैं, फॉलोअर नहीं आ रहे, तो ये कभी नहीं सोचना। अगर आप इस फील्ड में उतर चुके हो तो सिर्फ आप कंटेंट पे फोकस करो, कौन क्या कह रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। अभी इनका कहना है, गांव वाले कुछ मजा भी लेते हैं इनका, कहते हैं ना, मतलब ये कर रहा है, व्यूज आ रहे हैं, पैसे कमा रहा है, छाप रहा है, ये है वो है, कुछ भी नहीं। अगर आपको भी इस तरह से प्रॉब्लम आ रही तो आपको बिल्कुल भी ये जहन से निकाल देना है। अगर इस तरह के आपको काम करने हैं तो आपको शर्म लिहाज बिल्कुल ख़त्म कर देना है। अब जैसे ये डांस करते हैं लड़कियों को कपड़े पहन के करते हैं, तो ये सोच रहे हैं चलो मैं बैंड बाजे पे तो डांस कर लेता हूँ, लेकिन अगर वीडियो के लिए मुझे लड़की के कपड़े पहन के कहीं डांस करने हैं पब्लिक में, तो इनका कहना मैं नहीं कर पाता हूँ, तो ये गलत है। अगर आपको ये काम करना है तो आपको शर्म लिहाज सब कुछ ख़त्म कर, क्योंकि आप कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हो, नंगा नाच थोड़ी कर रहे हो, कपड़े ही पहने हो ना। लेकिन आपको अगर पसंद है, वो आपका टैलेंट है, आप लोगों को दिखा रहे हो, आप लोगों को खुश कर रहे हो, एंटरटेनमेंट कर रहे हो, लोग उससे खुश हो रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, उसी से जो है आपकी रोजी रोटी चलने वाली, उसी से आप दो पैसे कमाने वाले हो। तो ये चीज़ याद रखना, बिल्कुल भी आप कभी भी शर्माओ नहीं, ठीक है। और काम करने का तरीका जो है थोड़ा सा अपना बदलो, क्योंकि देखो आपकी भी गलती है। इन्होंने क्या किया है, कहीं कहीं जो है कॉमेडी वीडियो डाल रखी है, कहीं डांस वाली वीडियो, कहीं कुछ, लेकिन इनके फॉलोअर जो है इन्हें चाहते हैं, इनका कहना है कि मेरे फॉलोअर जो हैं वो कहते हैं कि साड़ी में वीडियो बनाओ। हाँ, साड़ी में, इन्हें जो है लोग साड़ी में देखना पसंद करते हैं, कह रहे हैं साड़ी में ही आप वीडियो बनाओ, वो हमें ज्यादा अच्छी लगती। तो ठीक है, फॉलोअर जो कह रहे हैं आप साड़ी में वीडियो बनाओ, बनाएंगे ना। 10 दिन 15 दिन 1 महीना बना के देखो, आपको खुद ब खुद जो है इसमें कुछ ना कुछ नजर आएगा, हाँ मेरे फॉलोअर ज्यादा बढ़ रहे हैं, व्यूज ज्यादा बढ़ रहे हैं। और अगर बढ़ रहे हैं तो आप कंटिन्यू उसी पे काम करो, सही है। तो इनसे तो बात हो गई, अब इनकी माता जी से बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है, जैसे आप इनकी माँ हैं, अब बहुत से घर वाले ऐसे होते हैं बच्चों को डांटते हैं कि मोबाइल पे ये मत करो, दिन भर मोबाइल में लगे रहते हो, थोड़ा सा आप नजदीक आ जाओ, आवाज कम आएगी। तो आपने खुद इनको बोला ये सब करने के लिए? हाँ, बोला सर करने के। अगर हिंदी नहीं बोल पाते तो भोजपुरी में बोलो। हाँ, बोले हैं कि मैंने अभी कुछ सब काम करबो। हाँ, तो जैसा नाचत गात हो मजबूरी है। हाँ, परेशानी है। हाँ, मतलब नाचना गाना तो पब्लिक में है ही। हाँ, इससे अच्छा वीडियो बना के भी नाचोगा ताकि दो पैसे का हमें आमदनी हो जाए, है ना। बेइज्जती है, बेइज्जती काहे की, बेइज्जती कोई बेइज्जती थोड़ी है, कुल बेइज्जती है काहे की। अब जो शादियों में जाके नाचते हैं वो बेइज्जती नहीं है, उसपे तो कर रहे हो ना। तो वीडियो में नाचना गाना क्या गलत हो गया उनके लिए, अगर उनका पेशा है वो तो उनके लिए कोई गलत नहीं है। हम कहें कि हम वीडियो बनाए मम्मा, तो हम कहें कि बंद कर दो नाचा गाए, कहें बाजा में रह दियो। हाँ। बार भी कटवा दो, कुल कह दियो, मैंने कुल सारा सिस्टम कुल छोड़ दियो नाचेगा वाला। तो कहीं नहीं, कुल काम सब करा था तो हम हूँ करब, वक्का जो नाचेगा बाजा वाला छोड़ दिए, तो हम वीडियो बनाए तो हमें तो पैसा आए, तो कुछ ना कुछ मन का कर्म किस्मत तो किया ना, लड़ी जाए। हाँ, कुछ दुख दल दर कटी जा, आखिर का हुई। तो हम कहें जब नाचा था जब ना माना था तो बनाइबे करो वीडियो, वो किया जाना हो सका तो वायरल हो जाओ। तो घर में कितने बच्चे हैं, ये अकेला और कोई और लड़का है? लड़की है, ये अकेला लड़का। दो लड़की और एक लड़का, मतलब और, तो, और आपके हस्बैंड, हस्बैंड है ना, वो क्या करते हैं? ये कुल जोड़ाई वड़ाई का। अच्छा, घर का जोड़ाई का काम करते हैं, मेसन का काम करते हैं। चलो अच्छा, मतलब घर में जो है टोटल 5 लोग हैं आप? गरम माटी दिया, घामे घामे बता से। अच्छा, मतलब
क्या नाम है लेबर का भी काम करते हो? अच्छा तो कुल काम छोड़ कर। नहीं नहीं ठीक है, अगर आप देखो आप भी इस तरह के काम कर रहे, देखो लेबर का भी काम कर रहे हैं, लेबर का भी काम कर रहे हैं शादियों में, मतलब जो बैंड बाजा होता है उस पर डांस भी कर रहे हैं और अपनी वीडियो से भी मतलब वीडियो पे भी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है चलो ये बात तो हो गई। मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे जो है इनका सी डैशबोर्ड, देखें यहाँ पे आपको सी डैशबोर्ड में लेके चलता हूँ और यहाँ पे मोनेटाइजेशन टूल है। बाकी इनका फेसबुक प्रोफाइल जो है बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने हेल्थ भी चेक कर ली, सब कुछ चेक कर लिया पहले। अभी जो है यहाँ पे फिलहाल अवेलेबल टू सेटअप में एड्स ऑन रील्स और सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन इनका मतलब मिल चुका है, सेटअप के लिए रेडी है। तो फिलहाल ये जो पैसे कमा सकते हैं एड्स ऑन रील्स से पैसे कमा सकते हैं अगर ये सेटअप कर देता हूँ तो। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है, ये जो भाई साहब है प्रोफाइल पर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब प्रोफाइल पर काम करने का मतलब ये है, आपको भी पता है आजकल फेसबुक ने थोड़ा सा ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट कर दिया है, आपको पे आउट अपना वेरिफिकेशन करना होता है। अब इनके पास जो है अपना पैन कार्ड अभी तक बना नहीं है, इनके पास पैन कार्ड नहीं है। ठीक है, अकाउंट भी नहीं है, बैंक अकाउंट भी नहीं है और दोनों चीज़ नहीं है, जाहिर सी बात है। अब इनका जो प्रोफाइल है इनके नाम से है, अब फिलहाल अगर मैं किसी और का अकाउंट या किसी और का पैन कार्ड डालता हूँ, जैसे इनकी माता जी हैं इनके पास भी पैन कार्ड नहीं है, तो किसी और का भी लेके आती है अगर मैं डाल देता हूँ तो आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आजकल फेसबुक जो है पे आउट वेरीफाई कर रहा है। कैसे वेरीफाई कर रहा है, जैसे एडमिन जो है ये होंगे, प्रोफाइल तो इनकी है एडमिन यही होंगे, और पैन कार्ड और बैंक अकाउंट में किसी और का लगा दूंगा तो आगे जाके प्रॉब्लम होने वाली है। अब ऐसे में होता क्या है, इनके आधार कार्ड पे जो अभी ये 18 साल के कंप्लीट नहीं है, हालांकि इनकी उम्र कह रहे हैं 20 साल से ज़्यादा है ना, लेकिन आधार पे जो इनकी उम्र कम है, आधार कार्ड के हिसाब से ये अगले महीने 22 तारीख को जो है 18 कंप्लीट हो जाता है, इनका 18 साल के ये कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन फेसबुक में जो है इनकी उम्र जो है अप्रैल में ही 18 साल कंप्लीट हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है ये जो सेटअप है इनको पिछले महीने ही मिला हुआ, क्योंकि अप्रैल में अगर कंप्लीट हुआ है तो आपको ही पता है फेसबुक जो है 18 के बाद ही कोई भी आपको टूल मोनेटाइज के लिए देता है, अगर आप 18 के अंदर हैं तो आपको कोई भी टूल जो है नहीं मिलने वाला है। तो ये चीज़ है, आप फटाफट जो है पैन कार्ड बनवाओ और जो सेंट्रल बैंक हो या स्टेट बैंक हो उसमें आके एक अपना अकाउंट ओपन करो। ठीक है, अकाउंट ओपन करने के बाद उसके बाद मैं सेटअप कर दूंगा, आप इससे अर्निंग कर सकते हो। अर्निंग मतलब ऐसा नहीं होता है कि बस सेटअप कर दिया आपकी जो है लाखों में अर्निंग होने लगी, मेन चीज़ होता है व्यूज़। आपके पेज पे या प्रोफाइल पे अगर अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं तो आपकी अर्निंग भी अच्छी खासी हो सकती है। लेकिन अब 200, 400, 1000, 2000, 10000, 20000 व्यूज़ आ रहे हैं या 30000 व्यूज़ भी आ रहे हैं तो उससे आपकी कोई अच्छी खासी अर्निंग नहीं होगी। जब तक आपकी वीडियो पे लाखों में और मिलियन में व्यूज़ ना आए तब तक आपकी जो है अच्छी खासी अर्निंग नहीं हो सकती है, ये चीज़ आप याद रखें। और इनकी माता जी भी है जो फेसबुक पे काम करना चाहती हैं, ये पहले जो आप इंस्टाग्राम पे काम कर रही थी, ये जो है इंस्टाग्राम पे कुछ वीडियो भी डाला इन्होंने, लेकिन मैंने समझाया अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आप फेसबुक पे फोकस करो, फेसबुक पे पैसे कमाओ। तो आज ही मैंने इनका प्रोफाइल और इनका पेज जो है मैंने बना दिया, स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा, इनको भी आप सपोर्ट करें, यहाँ के फॉलो करें। अभी तो शायद इन्होंने एक वीडियो भी नहीं डाली क्योंकि अभी अभी मैंने पेज बनाया है, लेकिन हो सकता है घर जाके आप वीडियो बनाना स्टार्ट कर देंगे ना, तो इनको भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, माता जी को भी सपोर्ट कर सकते हैं। और इनके प्रोफाइल पर अगर आप जाना चाहते हैं तो अशोक चौहान के नाम से इनकी प्रोफाइल है, सिद्धार्थ नगर के रहने वाले हैं, हमारी डिस्ट्रिक्ट के ही, और मेरे गाँव से कुछ दूर ही। नहीं बोलो बोलो फिर से बोलो, अगर बोलना है हमारे बेटवा महतारी का सबका लड़का को हम मदद करो। देखो भाई मेरा जो काम था आप लोग तक पहुंचाना, ठीक है, ऐसे लोगों को मैं सोचता हूं और आगे जाएं, क्योंकि ये देखो ओरिजिनल कंटेंट बना रहे हैं, आपकी तरह कोई कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर कोई भी ओरिजिनल कंटेंट डाल रहा है और मेहनत कर रहा है तो मैं उनका हमेशा सपोर्ट करूंगा। लेकिन कॉपी पेस्ट वाले आपको भी पता होगा एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन या 2 महीना कमाएंगे कोई भरोसा नहीं, लेकिन आप अपनी वीडियो बना रहे हैं, खुद की वीडियो बना रहे हैं, ओरिजिनल वीडियो बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो आप कब तक कमाएंगे आपको भी पता है, लॉन्ग टाइम कमाने वाले हैं क्योंकि आपकी ओरिजिनल वीडियो होगी। तो मज़े की बात तो ये बता दूं आपको, ये मेरे गांव के बगल के ही मतलब 150-200 किलोमीटर की रेंज के हैं और इन्हें मेरे चैनल का नाम भी नहीं पता था। रियलिटी आपको बता देता हूँ, जो लोग दूर से मुझसे मिलना चाहते हैं मैं उन्हें एड्रेस, चलो ये बगल के हैं तो इन्हें जो है एड्रेस बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी के ज़रिए जो है इन्होंने सुना मैं इस तरह से काम करता हूँ, यूट्यूब पे फेसबुक के बारे में बताता हूँ, तो ये मुझसे मिलने आए। अच्छा, आने के बाद मुझे लगा शायद इन्होंने सब्सक्राइब किया होगा मेरा चैनल, मेरी वीडियो देखते होंगे, कुछ सीखते होंगे, पता चला ये आपके चैनल का नाम क्या है। इससे पहले हम जो एक चैनल चलाते थे उस पर हम लोग चैलेंज करवाते थे, तो शायद इन्होंने चैलेंज वाली वीडियो मेरी कुछ देखी थी, उसी के बारे में ये जानते थे। हालांकि जो टेक चैनल है मेरा जमाल टेक सपोर्ट जिस पे आप वीडियो देख रहे हो, इसके बारे में इन्हें कुछ भी नहीं पता था, आज इन्हें पता चला कि हाँ ये आपका चैनल है। तो ऐसा भी होता है, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है नहीं किया, लेकिन अगर आप मुझ तक पहुँचे हो, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो मेरा फ़र्ज़ बनता है आपके साथ थोड़ी सी आपकी हेल्प करना। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में, मिलता हूँ जल्दी आपसे किसी रूबड़ी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।